पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मोना मणि लेकर मोंटी ओबराय के लोगों से बचती है। अचानक राहुल उसके सामने आ जाता है और उसका पीछा करता हुआ गैरेज में पहुंचता है। तभी माइकल राजा और राहुल के बीच लड़ाई होती है। राहुल मणि हासिल करता है और वहां से भागता है। इंस्पेक्टर दुर्गा उसे मणि के साथ देख लेती है। रात में राहुल मणि लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में मोंटी के आदमी राहुल से मणि छीन लेते हैं। वहां नागिन अपने जख्मी नाग से मिलने काल भैरवनाथ के पास पहुंचती है। अब आगे हमारा शक ठीक निकला भैया। सूरज मैगजीन के जिस पेज पर मणि का राज छोड़कर गया था ना, वो पेज वहां से मोना लेकर भागी थी और उसी ने वो राज अपने मामा माइकल को बता दिया। महाकाली की गुफा में रोनित पर जिन दो आदमियों ने हमला किया था वो कोई और नहीं, मोना का मामा माइकल और उसका वो यार राजा था। मैंने ठीक ही सोचा था, कोई घर का भेदी ही है जिसने ये काम किया है। मोना एक टीचर है और उसने इतनी घटिया हरकत की। सोनम, जिस इंसान के दिमाग में एक बार लालच का जहर भर जाए वो ये भूल जाता है कि उसको क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है। लेकिन इस वक्त वो मणि कहाँ है? उस मणि को हासिल करने के लिए मैंने मोना का पीछा किया। उस राजा और माइकल के साथ मेरी हाथापाई भी हुई और बहुत मुश्किलों से भैया मैंने उस मणि को हासिल कर लिया। क्या? हाँ, वो मणि मेरे हाथ में आई और मैं उस मणि को लेकर आ ही रहा था कि अचानक दो आदमी आए और उन लोगों ने गन पॉइंट पर मुझसे उस मणि को छीन लिया। राहुल, वो लोग कौन थे? मुझे यकीन है कि वो दो कमीने माइकल के ही आदमी थे। आज एक बार फिर से हमारे हाथ आई हुई मणि दूसरे छीन के ले गए। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है, पता नहीं। मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर राहुल से मिलना चाहती हूँ, कहाँ है वो? आइए अंदर आइए ना। क्या बात है इंस्पेक्टर, एनी प्रॉब्लम? आप अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर राहुल। मैं भला क्या जानू? अनजान में कहूँ, आप माइकल के दराज से एक कीमती हीरा लेकर भागे और उसी हीरे के लिए आपकी गराज के लोगों के साथ हाथापाई भी हुई थी। बताइए वो हीरा कहाँ है? मेरे पास कोई हीरा नहीं है। झूठ बोलते हैं आप। आप जानते हैं कि पीटर पर जानलेवा हमला हुआ था और मुझे लगता है कि वो हमला भी इसी हीरे के लिए हुआ था। पीटर? कौन पीटर? देखिए, मैं किसी पीटर को नहीं जानता। आप ये तो जानते हैं ना कि मोना नाम की टीचर यहाँ पढ़ाया करती थी। पीटर उसी का भाई है। मोना का यहाँ पढ़ाना, माइकल के गैराज पर झगड़ा होना, पीटर पर जानलेवा हमला होना और फिर आपका वहां से हीरा लेकर भाग जाना, ये सारी बातें आपस में मिलती हैं। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बताइए सच्चाई क्या है। मैं बताता हूं इंस्पेक्टर, आपका अंदाजा सही है लेकिन इल्जाम गलत है। और सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बता दूं कि जिसे आप हीरा समझ रही हैं वो हीरा नहीं है, नागमणि है। नागमणि? जी हाँ, नागमणि, जिसकी वजह से हमारे दो साथी मारे गए। पहला साथी रंजीत, जिसकी मौत आप ही के लॉकअप में हुई और जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर आप ही ने कहा था कि उसके मरने की वजह सांप का जहर है। वो एक इत्तेफाक था। ओके, वो इत्तेफाक था, लेकिन जो खून सूरज को दिया गया उस खून की बोतल में सांप का जहर कैसे आ गया? क्या उसे भी आप इत्तेफाक कहेंगी? ये सारी किताबी बातें हैं, इन बातों पर ना कानून विश्वास करेगा ना मैं। हाँ, आप विश्वास इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने उस इच्छाधारी नागिन को अपनी आंखों से नहीं देखा। मगर एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर साहिबा, जब किताब का एक पन्ना हकीकत बनकर आंखों के सामने आ जाता है तो आप तो क्या
बड़े बड़े होशियार और समझदार लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो हीरा है या नागमणि, इसका फैसला बाद में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो हीरा मेरे हवाले कर दो। आपसे कहा ना मैंने कि वो हीरा मेरे पास नहीं है। वहां से लेकर आप ही भागे थे ना, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि वो डायमंड आपके पास नहीं है? वहां से लेकर मैं भागा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने वो मणि मुझसे छीन ली। आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप कि मैं आपके इस फरीब को मान लूंगी? नहीं, कभी नहीं। इंस्पेक्टर, जब राहुल आपसे कह रहा है कि मणि उसके पास नहीं है, तो फिर आप उसे क्यों परेशान कर रही हैं? इनके पास वो हीरा है या नहीं, इसका फैसला अदालत में होगा, लेकिन इस वक्त आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आपको हिरासत में ले रही हूं। एक मिनट, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकती हूँ, इनके साथ साथ मैं आपको भी हिरासत में ले सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कानून की बातों में दखल ना दें। देखिए, ठीक है, ले चलिए मुझे, कोई खून थोड़ी किया है जो फांसी हो जाएगी। राहुल, राहुल तुम नहीं समझते, ये कानूनी बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। सोनम, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए। तुम फिक्र मत करना राहुल, फिक्र मत करना, मैं भी पहुंचता हूं एडवोकेट के साथ। अब इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ वैसे भी चलने को तैयार हूं। जरूरत है, है जरूरत। मुझे उनको अपने जुर्म का एहसास दिलाने के लिए उसे हथकड़ी पहनाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, गाड़ी यहां क्यों रोक दी? क्योंकि मैं तुम्हें हवालात नहीं ले जाना चाहती। फैसला यहीं हो जाए तो बेहतर है। लाओ वो नगीना मेरे हवाले कर दो। ओफो, कह कह कर थक गया हूं कि वो मणि मेरे पास नहीं है, वो मणि मेरे पास नहीं है। वो मणि इस वक्त माइकल के पास है, यकीन नहीं आता है तो चलो मेरे साथ। मुझे ना माइकल से कोई मतलब है ना तुमसे, मुझे सिर्फ वो मनी चाहिए। अरे कहां से लाऊं वो मनी मैं? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें माइकल के गैराज से उस मनी को ले जाते हुए देखा है। इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, एक नागिन की नहीं। नागिन क्या मतलब? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं इंस्पेक्टर दुर्गा नहीं, बल्कि तुम लोगों की जानी दुश्मन नागिन हूं। नागिन? हां, इच्छाधारी नागिन। वही नागिन जिसने तेरे दो साथियों को मौत की नींद सुला दी, और आज अगर तूने मुझे वो मनी नहीं लौटाई
तो याद रखना, ये पल तेरी जिंदगी का भी आखिरी पल होगा। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मणि मेरे पास नहीं है। देखो, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? सुख, चैन, शांति। जब तक मुझे वो मणि नहीं मिलती, मैं बारी बारी तुम सबको अपनी इंतकाम की आग में जलाती रहूंगी। और अगर मेरे नाक को कुछ हो गया तो मैं एक एक करके तुम सबका नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगी। मान जाओ मेरी बात, तुम लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है, अब और मत तड़पाओ मुझे। मत लो इस नागिन की आह, क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे तुम्हें मारने पर? क्यों पापन बना रहे हो मुझे? लौटा दो वो मनी मुझे, लौटा दो मेरी मनी। लेकिन आज तू कोई बहाना नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता तू। वो मनी तूने माइकल से छीनी है। अरे लेकिन वो मनी माइकल के पास ही है। देखो देखो, अगर तुम मुझे एक मौका दोगी ना, तो मैं वो मनी माइकल से छीन कर लेकर आऊंगा। मौका जिंदगी देती है, मौत नहीं। और आज मैं तेरी जिंदगी में मौत बनकर आई हूं। तू भागने की कोशिश भी करेगा ना तो भाग नहीं सकेगा, क्योंकि आज तू मेरे शिकंज में पूरी तरह से जकड़ चुका है। जो लड़की यहाँ पे इंस्पेक्टर बन के आई थी, वो इंस्पेक्टर नहीं थी, वो नागिन थी। नागिन नागिन, वो नागिन थी भैया। इस बार हम लोगों को धोखा देने के लिए वो इंस्पेक्टर बन के आ गई। ओह माय गॉड, वो इंस्पेक्टर दुर्गा का रूप लेकर आई और हमें पलक तक नहीं लगी। बड़ी शातिर है वो, कभी भी किसी का भी रूप लेकर आ जाती है। यही वजह है प्रोफेसर अंकल कि हम लोग नागिन को कभी पकड़ नहीं पाए। परेशान करके रख दिया है इस नागिन ने, कभी भी किसी का भी रूप लेकर आ जाती है। अरे कैसे पता करें कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, असली कौन है नकली कौन है? पकड़ने की बात तो दूर, इस तरह तो हम नागिन को पहचान ही नहीं पाएंगे। पर पहचानेंगे कैसे? ना जाने कब किस रूप में आए और हमें धोखा दे जाए। राहुल, थैंक गॉड तुम आज बचकर आ गए। हाँ सोनम, इस तावीज की बदौलत
इस तावीज की बदौलत ही वो नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हाँ, बहुत शक्ति है इस तावीज में। लेकिन भैया, उस नागिन ने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने वो मणि माइकल से छीन ली थी। वो तो यही समझती होगी कि मणि मेरे पास है। भैया, अब तो वो नागिन सिर्फ मेरे पीछे पड़ जाएगी। राहुल, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है, वो नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ राहुल, ये ताबीज तो है तुम्हारे पास। आज फिर इस ताबीज की वजह से तुम्हारी जान बच गई। ये सब बाबा करुणेश की मेहरबानी का नतीजा है। बाबा मेरे बच्ची को बचाइए। बाबा मेरी बच्ची को बचाइए। बाबा बचाइए इसे। क्या हुआ इसे? इसे एक नाग ने डस लिया। बाबा जल्दी कुछ कीजिए बाबा, नहीं तो मेरी बच्ची मर जाएगी। बाबा मेरी बच्ची को बचाओ। बाबा मेरी बच्ची को बचाओ। निश्चिंत हो जा, धैर्य धारण कर, तेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। जिस नाग ने इसके शरीर को अपने विष से नीला किया है, और वही नाग इसके शरीर से अपना विष निकालेगा।